बचाने का प्रयास नहीं किया गया उनको, जो लोग जो मरे हैं इसमें जी प्रयास, मतलब उसको जो आदमी था ना उसके अंदर में, तो उस कोई को हिम्मत नहीं हुआ कि वो जाएगा। इतना आग जबरदस्त था ना, आवाज क्या ना इतना जबरदस्त कि मिनटों में लगा पूरा सुहा हो गया। 30 सेकंड के अंदर में, 30 सेकंड के अंदर में आग पूरा फैल गया। 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। तब तक गाड़ी आया, पाइप फिटर गाड़ी आया, तब तक बुझेगा कहानी खत्म हो गया था पूरा। अभी हम मधुबनी जिला के राजनगर में है और यहाँ से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ पर दिन के करीब 1-1.5 बजे के बीच में भयंकर जो है आग लग जाती है। आग लगने का जो कारण है वो इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे दुखद बात यह है एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और 2 व्यक्ति अभी भी घायल हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक गैरेज था और गैरेज के बगल में बिस्कुट फैक्ट्री था और 2-3 मीट शॉप भी यहाँ पर थी। और पीछे में देख रहे हैं जो बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ प्राइवेट अस्पताल चलता है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लगभग जो है 1 मिनट के अंदर ही ये 4-5 दुकान को झुलसा दिया, जलाकर राख कर दिया। जी हाँ, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर वो लोग हैं जो उस घटना के चश्मदीद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 चार चक्का गाड़ी है जो कि पूरी तरह से जो है जलकर राख हो गई है। ये वही गाड़ी है जो गैरेज पर इस गाड़ी का काम होना था और इसी गाड़ी का काम कर रहे थे मोहम्मद नूर, और उसी दरमियान जो है आग लग जाती है, गाड़ी भी जल जाती है। और जो व्यक्ति इस आग की चपेट में आए हैं और जिनकी मौत हुई है, मोहम्मद नूर उनका नाम बताया जा रहा है, वो लगभग जो है 45 से 50 वर्ष के थे और वही जो है काम कर रहे थे शायद, और उन्हीं की जो है गैरेज थी। बाकी जो है हम यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है पहले ये? मोहम्मद कलाम। कैसे, क्या हुआ था, कब घटना हुई? घटना ऐसे हुई कि हम लोग जा रहे थे, इधर से निकले ना, ये मेरा मकान हुआ, ठीक है, यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ, यहाँ मकान हुआ, हम लोग जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। तो ये खेत में जैसे ही पहुँचे हैं ना, तो देखे कि यहाँ से धुआं हो रहा है। अच्छा। धुआं हो रहा है तो इसका लड़का पीछे से गया है, पीछे से गया तो वो अपने पापा को निकालने का कोशिश किया। इतने देर में उसके पापा, मतलब वो काम कर रहे थे, तो बिजली का तार उसके देह में पूरा लटपटा गया, उसका शॉर्ट भी लग गया। बिजली का तार भी ऊपर से जा रहा जी, नहीं उसके अंदर में था बिजली का तार, उसके गैरेज के अंदर, जो गैरेज दुकान थी उसके अंदर बिजली लगा हुआ, बिजली लगा हुआ था तो वही बिजली का करंट लगा, तो उस आदमी निकल नहीं पाया, उसी में वो झुलस गया। झुलसने के बाद बगल में जो बिस्कुट वाला दुकान है उसमें भी आज माल मंगेबे किया था, वो भी बहुत सारा माल मंगाया था, पूरा दुकान खचाखच भरा हुआ था, उसका भी पूरा जल गया। और गैरेज में ये यहाँ देख रहे हैं स्कॉर्पियो लगा हुआ है, ये नया गाड़ी था, कस्टमर की गाड़ी थी। गाड़ी वाड़ी सब जल गई, सब चीज पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा। तो बचाने का प्रयास नहीं किया गया उनको, जो लोग जो मरे हैं इसमें जी प्रयास, मतलब उसको जो आदमी था ना उसके अंदर में, तो उस कोई को हिम्मत नहीं हुआ कि वो जाएगा। इतना आग जबरदस्त था ना, आवाज क्या ना इतना जबरदस्त, मिनटों में लगा पूरा सुहा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है अंदर में फंसे आदमी को बचाया जा सके, और वक्त ने भी इतनी मोहलत नहीं दिया और 1 मिनट के अंदर ही समझिए जो पूरा जलकर राख हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आग जो थी वो कितनी भीषण थी, मतलब कि कितने देर के अंदर में ये 4-5 दुकान और ये बिल्डिंग आग की लपेट में आ गई। तो 30 सेकंड के अंदर में, 30 सेकंड के अंदर में आग पूरा फैल गया। 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। अच्छा, 30 सेकंड कितना देर तक लगभग आग लगा रहा है इसी तरह? मुझे ना आधा घंटा में पूरा खत्म। अच्छा, तब तक गाड़ी आया, पाइप फिटर गाड़ी आया, तब तक बुझेगा कहानी खत्म हो गया था पूरा। अच्छा, आग बुझाने वाली गाड़ी कब आई, मतलब कितने देर के बाद? 1-2 घंटा के बाद। 2 घंटा के बाद आग बुझ रहा था, उसके बाद आई। हाँ जी, उसी समय पूरा जल के कोयला हो गया था, हर चीज पूरा कोयला हो गया था, तब वो आया गाड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि यह बिहार है और यहाँ आग लग जाती है, जब आग बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है यहाँ पर आग बुझाने वाली जो है से गाड़ी आती है। आप लोगों ने कॉल किया था यहाँ पे थाना कॉल किया गया, उसके बाद बाहुबली है, थाना कॉल किया, बाहुबली कॉल किया, वही बाहुबली वाली गाड़ी आई यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो आपका राजनगर थाना है, इन थाना को आपने सूचना दिया? जी हाँ, यहाँ का आदमी सब दिया सूचना दिया थाना। अच्छा, यहाँ पे हमें बताइए कितनी दुकानें थी यहाँ पे? यहाँ पे दुकान आपको जो जली है दुकान, तो बुझे कि 7-8 दुकान है। 7-8 दुकान जी। अच्छा, तो मतलब क्या सब चीज़ की? एक तो बिस्कुट फैक्ट्री, एक गैरेज है, एक बिस्कुट है, एक गैरेज है, 2 मीट है। अच्छा, 2 मीट की दुकान। अच्छा, ये सामने बड़ी वाली बिल्डिंग क्या है? वो डॉक्टर साहब का, सियालम डॉक्टर, बहुत पुराना यहाँ का मशहूर क्लिनिक है वो, डॉक्टर सियालम डॉक्टर का मशहूर। तो मरीज रहे होंगे ना अंदर?
नहीं उस समय में मरीज नहीं थे, डॉक्टर साहब तो खैर अपने बीमार चलते, तो हम लोग डॉक्टर साहब को पकड़ के हम लोग बाहर ले गए और होटल में ले जाके उन लोग को बैठाएं, डॉक्टर साहब को बैठाएं। इतना हिम्मत काम नहीं किया कि कोई मतलब आते या जो गैरेज के मालिक थे मोहम्मद नूर, वो क्या उम्र थी? वही 45-50 के लपेट में था। मालिक वही थे गैरेज? वही वही थे। और कौन लोग थे जो घायल हो गए हैं? उसके लड़का सब है। अच्छा, उसका का लड़का, उन्हीं का लड़का है, वो बचाने के चक्कर में है ना, गया ना पीछे से बचाए, उसी में वो घायल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आग की लपटों ने जो है एक ही एक परिवार के दो लोगों को घायल कर दिया, और जो परिवार का मुख्य सदस्य था वो आज जो है इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी कि बेटे ने बचाने की कोशिश तो की, लेकिन जो है पिता को नहीं बचा पाए और पिता की अंततः जो है से मौत हो गई। भला ये लोग हैं कुछ कर नहीं सकते थे उस समय, चूंकि आग की लपटें जो थी वो काफ़ी तेज थी। आपने देखा था क्या? देखा था हमने थोड़ा बहुत, जो आधा घंटा हो गए जब आग बुझने लगे थे, जब हम आए तो देख रहे थे कि सब सब बुझा गए थे। उस समय क्या माहौल था जब आग लगा? उस समय ऐसा माहौल था कि हम लोग का तो दिमागे नहीं काम कर रहा था कि क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे बुझाएंगे आग। हम लोग का दिमागे नहीं काम कर रहा था, पूरा जैसे दिमाग का बत्ती है गुल हो जाता है। मतलब कि आप लोग कुछ चाह कर भी नहीं कर पाए? बाल्टीन से पानी हम लोग बहुत सारा बाल्टीन, इधर भी मेरा घर हुआ, इधर भी हुआ, ये बगल से गैरेज हुआ, वहाँ से भी हम लोग पानी का व्यवस्था किए, तो फिर ये सब कुछ कोई पानी कोई काम करवे नहीं किया। क्या नाम है आपका? आपका नाम रंजीत कुमार है। अच्छा, यही स्थानीय है निवासी? बगल में है, बगल में। क्या क्या हुआ था यहाँ पे? दरअसल मिस्त्री मोहम्मद नूर जो है ना, वो काम कर रहे थे अंदर में, तो उसी से जो है सो पेट्रोल गाड़ी का काम कर रहे थे, तो उसी से जो है आग लग गया। और वो जो है सो पीछे में काम कर रहे थे, उनका लड़का सा और कारीगर सब था, बाहर में काम कर रहा था। आग लगने के बाद जो है सो सब भागा, तो फिर उसका बेटा बोला भाई अब बात अंदर में है, तब तक तो लेके उड़ गया, 30 सेकंड के अंदर लेकर सुनते उड़ के 30 सेकंड में ही आग पूरा उड़ गया लेकर के। अच्छा। लाश हम लोग देखे, लाश पीछे में कोई सिलेंडर वगैरह भी था? कोई सिलेंडर तो ऐसा कुछ नहीं था, हमको लगता है ऐसा सिलेंडर नहीं था कुछ, मतलब पेट्रोल ही सबसे बड़ा, पेट्रोल गाड़ी सब था, पेट्रोल गाड़ी सब लगा हुआ था, पेट्रोल की गाड़ी थी। क्या क्या था? सीएनजी वाला सिलेंडर तो देख रहे हो गाड़ी में। जो लोग घायल हुए हैं उसकी क्या हालत है, आपने देखा है क्या? वो लोग का हाथ हल्का झुलट गया उसके लड़का का, फिर ठीक है, वो अभी ठीक है, वो दोनों ठीक है, ठीक है। उन्हीं के पिताजी थे, उनके पिताजी थे, वो डेट कर गए, पूरा जल के पूरा ई हो गया, पूरा कोयला हो गया, आंख बाहर आ गया, तरह से जल आंख बाहर आ गया, हाथ स्पॉट मार्क, हाथ पूरा बाहर आ गया, जांग पूरा बाहर आ गया, मतलब पूरा जल के पूरा कोयला हो गया पूरा एकदम। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही दुखद घटना है। एक व्यक्ति मोहम्मद नूर जो गैरेज के मालिक थे, काम कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो झुलस कर जो है समझिए एक अच्छा खासा इंसान 30 सेकंड के अंदर जो है कोयला बन जाता है।